दोस्तों आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो पर मैंने बताया था कि कैसे आप अपने जियो एयर फाइबर या फिर जियो फाइबर से कॉल वाला सेटिंग को इनेबल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारा ऐसा कमेंट देखने को मिलता है, इंटरनल एरर आ रहा है तो किसी को ओटीपी नहीं मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत बार हो चुका है और अभी भी होता है, लेकिन आपको इसे फिक्स कैसे करना है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो, तो आज के इस वीडियो पे बने रहिए मेरे साथ। अगर आप आज इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इससे पहले मैंने YouTube पे बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारा वीडियो देखा, लेकिन मुझे कहीं पर भी एक वीडियो देखने को नहीं मिला कि इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दे। इसलिए आज का ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर किसी का ओटीपी नहीं आ रहा जियो ज्वाइन एप्लीकेशन में या फिर इंटरनल एरर शो हो रहा है, तो उसको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन को डिलीट करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करना होगा, फिर से आपको स्विच ऑन करना होगा। स्विच ऑफ करने के बाद फिर से आपको स्विच ऑन कर लेना है, फिर से आपको जाना प्ले स्टोर में और फिर से आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ये कर लेने के बाद दोस्तों जियो ज्वाइन एप्लीकेशन में जो आपको इंटरनल एरर शो हो रहा था और वहां पे ओटीपी नहीं आ रहा था, तो ये दोनों प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये पूरी तरह से फिक्स नहीं होगा, यहाँ पे 10% प्रॉब्लम अभी भी बाकी है, क्योंकि दोस्तों बहुत बार क्या होता है ना कि आप जियो ज्वाइन एप्लीकेशन को फिर से यूज करते हो तो फिर से आपको इंटरनल एरर शो हो जाएगा या फिर आपको फिर से ओटीपी नहीं आएगा। तो इसका प्रॉब्लम एक ही है दोस्तों, जियो का जो ऑफिशियल ऐप है जियो ज्वाइन, इस एप्लीकेशन का जो सर्वर है दोस्तों वो गांव में ज्यादातर काम नहीं करता है, वो सिर्फ शहरों के लिए ही अभी इनेबल किया गया है। अगर आप एक गांव से हो तो ये प्रॉब्लम आपको बार बार देखने को मिल सकता है, अगर आप एक शहर से हो तो एक बार फिक्स कर लोगे तो फिर से आपको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों मैंने जियो टेक्नीशियन से और जियो सर्विस सेंटर से भी बात किया, दोनों पे मुझे एक ही आंसर सुनने को मिला कि ये अभी गांव के इलाकों में अभी इसका सर्वर ऑन नहीं किया गया, ये अभी सिर्फ शहरों के लिए ही है। यार ये सुन के तो मुझे भी बुरा लगा कि यार पैसा तो हम भी पे कर रहे हैं और फिर हमें सर्विस क्यों नहीं मिल रहा है इसका। आई होप दोस्तों कि ये भी प्रॉब्लम जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाए और हमें जल्दी ही गांव में भी इसका सर्विस देखने को मिले। तो बस यही छोटी सी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।